हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कटहल की सब्जी की रेसिपी। कटहल खाना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन लोग सोचती है इसे बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं जिसे ये बहुत ही टेस्टी बने। सिंपल तरीके से बनाएंगे, बनाना बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे कटहल लिया है, तो चलिए सबसे पहले कटहल को कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाइफ से इसे कट कर लेती हूँ। कटहल कटने की बात बहुत तुरंत ही काला होने लगती है। पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लिए है। आप सारे के सारे टुकड़े इस हल्दी पानी में अच्छे से डुबो देंगे ताकि कटहल का टुकड़ा काला ना पड़ जाए। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कटहल को हमने इस तरीके से छोटे पीस करके लिया है। आलू को भी इस तरीके से छोटे पीस करके लिया है और लिया है 2 इलायची, 1 तेजपत्ता, हल्दी पाउडर, लाल चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अदरक लहसुन की पेस्ट, जीरा पाउडर, चीनी और प्याज। अब हम चले इसे उबालने की प्रोसेस में। तो इसे उबालने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देते हैं पानी। पानी के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस कटहल का जो पीस है वो भीग जाना चाहिए। अब कटी हुई कटहल के पीस को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। और हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। और उसके बाद कुकर के ढक्कन को बंद करके हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक हमें उबालना है। एक से ज़्यादा सीटी नहीं लगाए, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। तो जैसे ही पहली सीटी लगी गैस को बंद किया मैंने। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, हम इसे खोलेंगे। तो इसे हाथों से ऐसे चेक कर लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कटहल को मैंने कितना पकाया है और इसके बाद इसे ठंडा हो जाने देंगे। अब हम इस कटहल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं कढ़ाई में डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों की तेल। हम यहाँ पे डाल देंगे आलू, थोड़ा सा नमक देंगे और आलू को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। चार से पांच मिनट बाद हम देखेंगे आलू हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम उसी तेल में डाल देंगे उबला हुआ कटहल
और इसके बाद इसे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद हम देखेंगे कटल हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। हम इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता और डाल देंगे प्याज। प्याज को ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट। और डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून चीनी। सारे मसाले डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भून लेना है। मसाले के साथ प्याज को 2 मिनट और भूनेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ कटहल और डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू भी। अभी आलू और कटहल को भुने हुए मसालों के साथ अच्छे से मिला के पकाना है। तो यहाँ पे कटहल और आलू मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। और ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट लो फ्लेम में रख देंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी कटहल की सब्जी बनके तैयार है। हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।